नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टाइफाइड के विषय में बताऊँगी कि टाइफाइड का फीवर जब हो जाता है तो उसको कैसे ठीक करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन सी चिकित्सा करें, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उसके कारण होते हैं, तो इन सब के विषय में विस्तार से बताऊँगी। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि टाइफाइड बार बार रिलैप्स करता है और वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। टाइफाइड को म्यादी बुखार भी कहते हैं, मोती झरा भी कहते हैं, और टाइफाइड साल्मोना टाइफी नाम के वायरस के कारण से होता है। और ये बैक्टीरिया किसी भी स्वस्थ शरीर में एंटर कर सकता है और शरीर में पहुंचने के बाद ये सीधा इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ एक से दो, दो से चार, इस तरह से मल्टीप्लाई करता है और ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो पहले तो ये जानते हैं कि टाइफाइड का वायरस बैक्टीरिया पहुँचता कैसे है और इसको शरीर से पहुँचने से कैसे बचाएं। ये एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और इसके फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे गंदा खाना खाना या गंदी जगह पर बैठ के खाना खाना, या सब्जियों को अच्छी तरह से वॉश ना करना, या आप अपने हाथों को ठीक से वॉश करें बिना खाना खा लेते हैं, कई बार ऐसे ही खाना खा लेता है कोई, कुछ भी उठा के खा लेते हैं, या फिर गंदी जगहों पर बैठ करके भोजन करना जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, क्योंकि मक्खियाँ भी जो है संक्रामक रोग फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि जब मक्खियाँ किसी भी जगह बैठती हैं तो वो अपने पंखों में गंदगी को समेट लाती हैं और जहाँ भी बैठती हैं वहाँ उस गंदगी को छोड़ देती हैं, तो इस तरह से संक्रामक रोग फैलते हैं। या गंदा पानी पीने से भी संक्रामक रोग फैलते हैं, क्योंकि कहीं हम ऐसी जगह बैठे हैं या जहाँ पानी का जो स्रोत है वो अच्छा नहीं है और आपने उस पानी को पिया और आपको टाइफाइड का संक्रमण हो गया, तो इस तरह से धीरे धीरे टाइफाइड फैलता है। और या फिर टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था ना हो तो भी जो है वायरस फैलता है। पहले ज़माने में तो टाइफाइड बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि टॉयलेट की पूरी व्यवस्था नहीं होती थी, लोग खेतों में इधर उधर जाया करते थे। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो सफाई पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। जो भी आप खाना खाएं वो साफ़ सुथरा हो, साफ़ सुथरे हाथों से खाएं, साफ़ पानी से बना हुआ हो, सब्जियाँ गंदी ना हो और आसपास कहीं मक्खी दिखाई ना दे रही हो, ऐसी जगह पर आप बैठ करके खाना खाएं तो टाइफाइड का संक्रमण होने का डर नहीं रहता। अब जानते हैं कि टाइफाइड की जब स्टार्टिंग हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जब शरीर में टाइफाइड का बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो 5 से 21 दिन में इसके सिम्टम्स कभी भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो बुखार आता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद करीब 2 हफ्ते के अंदर कुछ लोगों के छोटे छोटे रेड रेड स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, जो जिस वजह से इसको मोती झरा कहते हैं और वो लाल लाल होते हैं, इसलिए इसको रोज स्पॉट भी कहते हैं। और बुखार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, जैसे पहले दिन अगर 100 है तो अगले दिन 101, उसके नेक्स्ट डे 102, 103, 104, इस तरह से ये फीवर स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, इसलिए इसको स्टेप लेडर फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड का संक्रमण चूँकि सबसे पहले आंतों में होता है तो इसलिए पेट संबंधी प्रॉब्लम सबसे पहले दिखाई देती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, डायरिया हो जाना, जी मिचलाना, उल्टी जैसा फील होना, भूख कम लगना, कमजोरी होना, इस तरह के बहुत सारे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अगर टाइफाइड पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो कुछ लोगों में टाइफाइड का असर दिमाग पर दिखाई देने लगता है और वो व्यक्ति कन्फ्यूज़न सा फील करता है, झटके फील होते हैं और दिमाग में बेचैनी सी होती है और उसको घबराहट फील होती है, परेशानी फील करता है। और टाइफाइड का इफ़ेक्ट किडनी में भी दिखाई देता है, यूटीआई भी हो सकता है और निमोनिया के लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा जो टाइफाइड का पेशेंट होता है उसके अंदर से एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, मोशन जब जाता है तो भी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, यूरिन जब पास होता है तो उसमें से भी बहुत गंदी स्मेल होती है, पसीने के थ्रू भी बहुत गंदी स्मेल पास होती है। अब जानते हैं कि टाइफाइड का कैसे पता लगाएं कि आपको टाइफाइड हो गया है, तो इसके लिए वैसे तो बहुत तरह की जांच कराई जा सकती हैं, लेकिन एक विडाल टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, कि क्योंकि विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड का ही टेस्ट होता है और उससे पता लग जाता है कि आपका टाइफाइड पॉजिटिव है, तो उस समय हमें अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि फिर इसके बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और विडाल टेस्ट भी जब हम कई बार सप्ताह या 10 दिन बाद कराते हैं तो कभी कभी वो नेगेटिव रहता है और कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है,
लेकिन कभी कभी पॉजिटिव जब नहीं आता तो हमें उन लक्षणों को देखकर जो टाइफाइड के लक्षण होते हैं उसी के आधार पर चिकित्सा करनी होती है। जब भी आपको लगे कि बुखार तेज हो गया है, सिर दर्द रहने लगा है, डायरिया हो गया, जी मिचला रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन फील हो रहा है, तो ऐसा फील होते ही आपको अपनी डाइट में चेंज कर देना चाहिए और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए। टाइफाइड का संक्रमण चूंकि आंतों में ही ग्रो करता है, इंटेस्टाइन में ही उसका घर होता है, वहीं वो मल्टीप्लाई होता है, तो हमें सबसे पहले अपने पेट का ही ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए तो पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करनी चाहिए। जब पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो जो संक्रमण है, जो वायरस है, वो इनएक्टिव हो जाता है। और उसके बाद फिर जब हम एनिमा दे करके पेट की क्लीनिंग कर देते हैं तो वायरस एनिमा के थ्रू, मोशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो देखते हैं पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई कैसे करेंगे। अब देखते हैं पेट की गर्म ठंडी सिकाई कैसे करनी है। गर्म ठंडी सिकाई के लिए हमें एक ये रबड़ वाली बॉटल चाहिए और इसके लिए हमें इसमें गर्म पानी भरना है और गर्म पानी इतना तेज़ गर्म हो कि इसे आप सहन कर सकें। ये इसमें गर्म पानी मैंने भर लिया है और मैं पूरा 1 लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है। जब आप इसका ढक्कन लगाएं तो इसका पानी इसके मुंह तक ले आएं ताकि बॉटल के अंदर जो एयर हो वो बाहर आ जाए। जब एयर बाहर आ जाती है तो ये फ्लैट हो जाती है, फूली फूली सी नहीं रहती। इसकी सिकाई करने के लिए इसको हमें नाभि को सेंटर मानते हुए रखना है। तो सबसे पहले 3 मिनट गर्म सिकाई करनी है। अगर ये तेज़ गर्म लग रहा हो तो बॉटल को उतार के इसके ऊपर पहले एक छोटा सा टॉवल फैला लें, पतला सा, और फिर ये सिकाई करें। अब 3 मिनट के लिए हमें ये सिकाई करनी है। तो 3 मिनट पूरे हो गए हैं, इस बॉटल को हम हटा देंगे। अब हमें इस पेट के ऊपर ठंडा टॉवल भिगो के रखना है। इसके लिए हम बॉटल के जैसा ही साइज चौड़ा बना लेंगे। अगर आपका टॉवल ज़्यादा बड़ा है तो उसको इस साइज में बना लें। इसको हमें बहुत ज़्यादा कस के नहीं निचोड़ना है, थोड़े हल्के हाथ से निचोड़ना है, जिसमें जिससे कि थोड़ा सा हल्का पानी इसके अंदर रह जाए। इस तरह से पेट पर इसको फैला देंगे, हल्का सा हाथ से सीधा कर देंगे जिससे कि वो स्किन से टच हो जाए। ये हमें 1 मिनट के लिए करना है। आधा मिनट हो चुका है, आधा मिनट बाद हमें टॉवल को पलटना है क्योंकि उधर से ये गर्म हो जाता है। अब 1 मिनट पूरा हो गया है, टॉवल को हटा देंगे और फिर से बॉटल रखेंगे। ये गर्म सिकाई का दूसरा राउंड है, एक राउंड पूरा हो चुका है। जब हम गर्म सिकाई करें तो पानी का जो टेम्परेचर है वो इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे बर्दाश्त कर सकें। और जो ठंडा पानी है, जब गर्मियों का मौसम है तो आपकी फ्रिज की बॉटल का पानी भी ले सकते हैं, घड़े जैसा ठंडा पानी होना चाहिए। और जब सर्दी का मौसम है तो फ्रेश वाटर लें क्योंकि सर्दियों में फ्रेश वाटर भी काफ़ी ठंडा होता है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, बॉटल को उतार के रख देंगे। अब फिर 1 मिनट के लिए हम टॉवल रखेंगे। जब आधा मिनट पूरा हो जाए तो पलट देंगे। और ये सिकाई हमें कम से कम दिन में 2 बार करनी चाहिए, सुबह और शाम। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसको हम 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3-3 घंटे का गैप होना चाहिए। और जब हम सिकाई करें तो हमारा पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। अगर नाश्ता कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें, और अगर खाना खा लिया है तो 3 घंटे बाद करें। आधा मिनट पूरा हो गया, इसको पलट देंगे। ये पूरा 1 मिनट हो गया है, टॉवल हटा देंगे। 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, ये तीसरा राउंड है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। तो अभी आपने देखा कि पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई कैसे करिए। अब जब गर्म ठंडी सिकाई पूरी कर लें तो उसके बाद एनिमा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एनिमा के थ्रू जो आंतों की गंदगी है वो बाहर निकलती है और जो बैक्टीरिया हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, और जो फीवर की तेज़ी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और टाइफाइड बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है।
अब जब हमने पेट पर गर्म ठंडी सिकाई कर ली, एनिमा देके पेट की क्लीनिंग कर ली, तो इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें टाइफाइड में कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि टाइफाइड में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। संक्रमण चूंकि आंतों में होता है, तो इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो बिल्कुल हल्की हो और जिसमें अन्न की मात्रा बिल्कुल ना हो, क्योंकि टाइफाइड में अगर हम अन्न खाते हैं तो वो देर से पचता है। तो हमें ऐसी डाइट खानी है जो देर से ना पचे, वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि अगर देर से पचेगी तो आंतों में भोजन पड़ा रहेगा और अंदर जो है एसिड बनेगा और घाव हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी है जो बहुत जल्दी पच जाए, सॉलिड डाइट बिल्कुल ना हो। तो जैसे फ्रूट जूस लेने हैं, जैसे मौसम्बी का जूस आप ले सकते हैं, संतरे का जूस ले सकते हैं, कोई भी पपीता, सेब, इस टाइप के हल्के फल जो आप आराम से खा के डाइजेस्ट कर सकें, इस तरह के आपको फ्रूट्स खाने हैं। इसके अलावा आप केला भी खा सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं, तरबूज और खरबूजा भी खा सकते हैं। हमें अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें कोई ऐसी डाइट लेनी ही नहीं है कि जो हमारी आंतों में पड़ी रहे और डाइजेस्ट ना हो और आंतों में अल्सर या घाव पैदा करे। इसीलिए हमें ऐसी डाइट भी खानी है जिसमें फाइबर भी ना हो। तो जिन चीज़ों में फाइबर है या जिन सब्जियों में फाइबर है वो डाइट हमें नहीं लेनी है, या जिन फ्रूट्स में फाइबर होता है उस डाइट को भी हमें नहीं खाना है। इसके अलावा भोजन में कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है, जैसे जंक फूड, चाट पकौड़े, समोसा, ऑयली चीज़, चाय, कॉफ़ी, इन सबको तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। इसके अलावा पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, तोरी, करेला, कद्दू, गोभी, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है क्योंकि ये सारी चीज़ें गैस बनाती हैं। इसके अलावा लहसुन प्याज, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इन सभी को अवॉइड करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको टाइफाइड के विषय में पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपके आसपास कोई टाइफाइड का पेशेंट हो तो आप उसको इस तरह से जो मैंने आपको डाइट बताई है, जो तरीके बताए हैं, आप उनको इस तरह से बता करके बिल्कुल स्वस्थ रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।